हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन के। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि प्रोटिक अमाइनो एसिड दो तरह के हो जाते हैं, डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक। अगर वो दो प्रोटॉन ग्रुप डोनेट कर रहे हैं तो वो डाइप्रोटिक हो जाते हैं, और ट्राइप्रोटिक हमारे जाते हैं थ्री जो प्रोटोन डोनेट करेंगे, जिसमें जो आर चेन है वो भी आयनाइजेबल है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे बेसिक अमाइनो एसिड और हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड, उसके साथ साथ हमारे जो टायरोसिन था, क्योंकि उसमें भी फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ सिस्टीन में SH ग्रुप होता है, वो आयनाइजेबल होते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करेंगे। उसके अलावा बाकी 15 अमाइनो एसिड्स हमारे डाइप्रोटिक नेचर के थे, जिसमें हम देखेंगे कि सी और एन टर्मिनल का ही रोल होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम में तो हमें इस तरह से सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड ना मिलके हमें क्या देते हैं, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन देते हैं, जिसमें सिंगल सिंगल कोड भी मेंशन हो सकते हैं, फिर अमाइनो एसिड के नाम भी मेंशन हो सकते हैं। तो सपोज़ कि उस चेन में हमारे पास क्या है, एलानाइन प्रेजेंट है। सिंपलेस्ट ले लेते हैं, ग्लाइसिन के बाद एनालाइन ही सिंपलेस्ट होता है, जिसमें आर ग्रुप हमारा CH3 होता है। तो हम अगर उसको लो pH पे ट्रीट करेंगे, सपोज़ 3 पे, तो उसमें क्या है, HN की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, मैक्सिमम प्रोटोनेटेड। तो हम देख रहे हैं कि इसमें HN भी पूरी तरह से हमारा, ये भी डोनेट नहीं कर रहा है, ये भी फुली प्रोटोनेटेड है, ये भी फुली प्रोटोनेटेड है। तो नेट चार्ज ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, +1। और जैसे ही हम इसका pH बढ़ाएंगे 3 से अपर ले गए, तो ये क्या करेगा, हमने देखा था 2 से ऊपर ये डोनेट करना शुरू कर देता है जनरली, वो वेरी करते वैल्यू 2.9 to 3। तो जब हम इसको एक्सीड करेंगे तब ये क्या करता है कि जो अल्फ़ा हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो सबसे पहले डीप्रोटोनेट हो जाता है। उसमें हमने देखा था कि हमारा क्या होता है, जनरली PK2 वैल्यू, हमने बोला था कि PK2 वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं फॉर NH3 और कार्बोक्सिलिक के लिए PK1। तो सबसे पहले क्या होता है, ये डीप्रोटोनेट होना स्टार्ट होता है। इसका भी हम एक पूरा चार्ट देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो इसमें क्या होगा, ये डीप्रोटोनेटेड हो गया, इसने सबसे पहले अपना प्रोटोन डोनेट कर दिया जैसे हमने pH एक्सीड करनी शुरू करी, तो ये क्या होगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में। बट ये अभी भी प्रोटोनेटेड है, ये अभी भी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो डोनेट करेगा, बेसिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत ही जब लो कंसनट्रेशन हो जाएगी HN की तभी डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे pH बढ़ाएंगे सबसे पहले डोनेट ये करेगा, क्योंकि ये तो डोनेट नहीं कर सकता प्रोलिन एलानाइन के केस में, तो इसने डोनेट किया। अब नेट चार्ज जब हम देखेंगे तो पूरे हमारे अमाइनो एसिड पर नेट चार्ज क्या है, 0, 1+1, 1-1। तो ये होती है इसकी ज्विटरैन फॉर्म, जिस भी बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, PI वैल्यू। तो ये न्यूट्रल pH पे, जैसे ही हम इसकी pH और एक्सीड करेंगे, हम सपोज 10 पर ले गए, 10 से ऊपर ले गया, तब ये क्या करेगा, इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो इसका क्या चार्ज कंट्रीब्यूशन होगा, 0। बट इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज हमारा नेट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा हाई pH में, जब बहुत ज़्यादा लो कंसनट्रेशन हो गई सॉल्यूशन में किसकी, अमाइनो एसिड की। तो हम देखेंगे कि PI वैल्यू इस केसेस में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। डाइप्रोटिक के केस में हमने बोला था सिंपल PK1 और PK2 वैल्यू को ऐड करके उनका एवरेज ले लेंगे। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एलानाइन की हम देख सकते हैं कि हम इसकी PI वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से ग्लूटामेट का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हमारा आर ग्रुप दिया जाता है। जब आर ग्रुप भी लेंगे तो आर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सबसे पहले हमने क्या किया, लो PK वैल्यू रखी, pH रखा, तो सबसे पहले क्या डीप्रोटोनेट होगा, हमारा जो हमारा अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, नेगेटिव। बट ऑल दो ये तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में है फुली, क्योंकि लेड डोनेट करता है अपना प्रोटोन, और ये भी अभी प्रोटोनेटेड फॉर्म में। बट जैसे ही हम एक्सीड करेंगे कि इसकी वैल्यू रीच कर जाए, जो हमारी आर्चन की PK वैल्यू है इससे एक्सीड कर जाए, तब हम देखेंगे कि हमारा इसने भी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो गया। तब हम नेट चार्ज देखेंगे तो 1+2, -1। फिर हम और ज़्यादा एक्सीड करेंगे तब हमारा क्या करेगा, अमाइनो ग्रुप भी डोनेट कर देगा, डीप्रोटोनेट हो जाएगा, तब नेट चार्ज आ गया हमारा -2। तो इस बेसिस पे हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या आ गया, ज्विटरैन फॉर्म आया था, जिसमें क्या था, 0 नेट चार्ज था। तो PK1 और PKR, क्योंकि हमने देखा था ट्राइप्रोटिक में हम जब एसिड्स की बात कर रहे हैं तो एसिड्स के केसेस में हमेशा क्या लेंगे, PK1 और PKR का एवरेज लेंगे, ना कि PK2 का। तो इसमें PI वैल्यू क्या हो जाएगी, PK1 + PKR उनका एवरेज।